अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है होंडा BRV 2019 I-VTEC S वेरिएंट। काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट कार रिव्यूज। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कार, गाड़ी का फ्रंट 10th जनरेशन होंडा सिविक से काफी सिमिलर है। ट्रेपीजियम स्टाइल क्रोम ग्रिल दी गई है जिसके मिडल में होंडा बैजिंग है। ऑल इन वन हेलोजन प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स एंड LED डे टाइम रनिंग लाइट्स। बम्पर्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड फॉग लैंप्स दी गई हैं विद क्रोम गार्निशिंग। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ द कार, 16 इंचेस के डुअल टोन एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स दिए गए हैं एंड फ्रंट टायर्स के अंदर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स। क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं। क्रोम साइड प्रोटेक्टर्स हैं एंड रूफ रेलिंग्स भी दी गई हैं। बैक टायर्स के अंदर ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है। सो नाउ लेट्स चेक द बैक साइड ऑफ द कार। जस्ट लाइक द फ्रंट, बैक भी काफी खूबसूरत दी गई है। रूफ पे पोल एंटीना है। हाई माउंट LED स्टॉप लैंप है। रियर स्क्रीन में डिफॉगर दिया गया है। रियर वाइपर आ जाता है। मिडल में क्रोम गार्निशिंग। ऑल इन वन LED टेल लाइट्स विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स एंड रिवर्स लाइट। बम्पर्स के अंदर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं एंड गार्निशिंग दी गई है। इस वेरिएंट के अंदर प्री इंस्टॉल्ड रियर व्यू कैमरा भी दिया गया है। गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस की बात की जाए तो गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस 201 mm की दी गई है। सो नाउ लेट्स चेक द इंटीरियर ऑफ द कार। गाड़ी में कीलेस एंट्री दी गई है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर में ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। कमिंग टूवर्ड्स द ड्राइवर डोर, सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स हैं। तमाम पावर विंडोज दी गई हैं विद ड्राइवर विंडो फुली ऑटोमेटिक। उसके आगे सेंट्रल लॉकिंग के स्विचेस, साथ में पावर विंडोज को कंट्रोल करने का बटन और उससे आगे साइड मिरर्स को कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। तमाम डोर्स के अंदर बोतल होल्डर्स एंड स्पीकर्स भी दिए गए हैं। ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल है विद हाइट एडजस्टर एंड अपग्रेडेड सीट कवर्स दिए गए हैं। 3-spoke यूरेथन इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। स्टीयरिंग व्हील में एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स भी दिए गए हैं। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात की जाए तो मिडल में एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है। लेफ्ट साइड पे एनालॉग RPM मीटर है विद गियर इंडिकेटर एंड राइट साइड पे MID स्क्रीन दी गई है जिसमें रेंज, फ्यूल एवरेज, टाइम एटसेट्रा जैसी इन्फो शो होती है। गाड़ी के मिडल की तरफ आए तो ग्लॉसी ब्लैक पैनल दिया गया है। एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए 7 इंचेस की LCD स्क्रीन इंस्टॉल की गई है जिसमें FM, AM, DVD, ब्लूटूथ, AUX एंड USB सॉकेट भी दिया गया है। नीचे की तरफ आए तो ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है विद क्लाइमेट कंट्रोल। उससे नीचे कंपार्टमेंट है जिसके नीचे 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, फ्रंट के कप होल्डर्स,
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स एंड मैनुअल पार्किंग ब्रेक दी गई है। ऊपर की तरफ आए तो ड्राइवर साइड सनवाइजर है विद वैनिटी मिरर, रियर व्यू मिरर दिया गया है, कंपार्टमेंट लाइट आ जाती है, पैसेंजर साइड सनवाइजर आल्सो विद वैनिटी मिरर एंड काफी स्पेशियस ग्लव बॉक्स दिया गया है। सो नाउ लेट्स चेक द बैक सीट्स ऑफ द कार। मिडिल रो सीट्स 60-40 स्प्लिट के साथ आते हैं एंड थर्ड रो सीट्स के इजी एक्सेस के लिए वन टच टिम्बल एंड टिल्ट फंक्शन दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए रियर कूलर भी दिया गया है। लास्ट रो सीट्स की बात की जाए तो काफी अच्छी लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस दी गई है। पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर्स दिए गए हैं एंड लास्ट रो सीट्स में स्पीकर्स भी दिए गए हैं। सो नाउ लेट्स चेक द बूट स्पेस ऑफ द कार। गाड़ी का ट्रंक मैन्युअली ओपन एंड क्लोज होता है। 7-सीटर एसयूवी होने की वजह से लगेज रूम काफी कम दिया गया है, जिसको फर्दर इंक्रीज करने के लिए लास्ट रो सीट्स को फोल्ड भी किया जा सकता है। सो टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कार, 1500 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर 16 वाल्व सिंगल ओवरहेड कैमशिफ्ट I-VTEC इंजन दिया गया है, जो कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है 88 किलोवाट्स का एट 6600 आरपीएम एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 145 न्यूटन मीटर का एट 4600 आरपीएम। लास्टली टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द कार, गाड़ी के अंदर ड्राइवर के लिए SRS एयर बैग दिया गया है, इमोबिलाइजर दिया गया है, उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। गाड़ी के वेरिएंट्स की बात की जाए तो BRV हाई स्पेक I-VTEC S वेरिएंट में आती है और लो स्पेक I-VTEC वेरिएंट में आती है। I-VTEC वेरिएंट फर्दर ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में दिया गया है, वाइल I-VTEC S वेरिएंट ओनली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SA रिव्यूज। काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट कार रिव्यूज। For best car deals, visit Car Specialist Network located at I-8 Markaz, Islamabad. Thank you.